ब्यावरा से पचौर, सारंगपुर, शाजापुर व मक्सी होते हुए देवास तक 141 किलोमीटर चार लेन। ग्वालियर से शिवपुरी मार्ग पर नया गांव से सतनपाड़ा 97 किलोमीटर चार लेन। ग्वालियर से शिवपुरी सेक्शन में चार लेन मोहाना सिमरिया टेकरी से हरिपुरा। भोपाल में लाल घाटी से मुबारकपुर 8 किलोमीटर चार लेन की सड़कें। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्मित दो लेन के चार मार्ग पूरे किए जा चुके हैं, जो है सांची से सागर, रीवा से सिरमौर, सागर से छतरपुर व खिलचीपुर से जीरापुर मार्ग। यही नहीं, NHAI द्वारा चार लेन की 138 किलोमीटर लंबी चार परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें शामिल हैं इंदौर हरदा बैतूल रोड पर ननासा से प्रिंड गांव मार्ग, हरदा से टेम गांव मार्ग, चिचौली से बैतूल और चार लेन वाला 20 किलोमीटर लंबा कटनी बाईपास और तो और 172 किलोमीटर की 6 मार्ग सुदृढ़ीकरण योजनाएं भी जल्द साकार होंगी। केंद्र की सेतु भारतम योजना में कटनी बीना सेक्शन के जरई में चार लेन, जरुआ में दो लेन रेल ओवर ब्रिज व 8 पुल भी प्रस्तावित हैं। ये सड़कें और ये पुल मध्य प्रदेश के अनवरत विकास की नई दास्तान लिखेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति पाठी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन यानी गुरुवार को शराब बिक्री से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के एक विधायक समेत विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने इस संबंध में प्रश्नकाल के दौरान आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर एक के बाद एक कई सवाल दागे। अच्छे ब्रांड की शराब न मिलना, शराब में पानी मिलाकर बेचना, प्लेसमेंट एजेंसियों की मनमानी, शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व में धांधली जैसे मुद्दों को लेकर विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इधर सरकार ने कुछ खामियों को तो स्वीकारा, लेकिन कुछ मामलों में जांच कर कार्रवाई करने की भी बात कही। सदन में शराब पर किस तरह से तीखी बहस हुई, किसने क्या कहा, इस पर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही रुख करेंगे मध्य प्रदेश का भी, जहां 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कर्ज माफी पर कसपकस है। एक और सत्ताधारी दल बीजेपी लगातार ये बात कर रही है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर वादे पूरे नहीं किए गए और सबसे बड़ा वादा किसानों की कर्ज माफी का वादा भी अधूरा रह गया, तो जनता अब कैसे कांग्रेस पर भरोसा करे। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी के तमाम आरोपों को नकारते हुए आज एक पेन ड्राइव मीडिया को सौंपी। कहा गया है कि इस पेन ड्राइव में 26 लाख से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी का पूरा ब्यौरा है। इधर बीजेपी ने कमलनाथ की पेन ड्राइव को काली बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर डाली। खैर, सवाल यह है कि किसानों की कर्ज माफी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आखिर कब तक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने कर्ज माफी का लाभ लेने वाली किसानों की सूची सार्वजनिक की है। क्या इसका फायदा कांग्रेस को उपचुनाव में मिल पाएगा, ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां शराब पर शोर है। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब बेच रही है, ये बड़ा आरोप बीजेपी ने मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार पर चला। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में मांग से ज्यादा शराब खरीदी हुई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। यहां तक कि शराब से जुड़े मुद्दे पर सत्ता पक्ष के एक विधायक ने भी अपनी सरकार पर ही सवाल दाग दिया, जिस पर आबकारी मंत्री ने जवाब भी दिया। सदन में आज क्या हुआ, शराब से जुड़े मुद्दे पर सवाल कितने दमदार थे और उनका जवाब कितना संतुष्ट करने वाला था, चलिए इस पर विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन शराब पर मचा शोर।
प्रश्नकाल में लंबे समय तक शराब बिक्री में गड़बड़ी के मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सबसे पहले सत्ता पक्ष के विधायक संतराम नेताम ने बस्तर इलाके में ब्रांडेड शराब और बियर नहीं मिलने का मामला उठाते हुए कहा कि इससे बस्तर के मदरा प्रेमियों में निराशा है। इसके बाद बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व की हेराफेरी की बात करते हुए इस संबंध में आबकारी मंत्री से कई सवाल करते हुए कहा कि शराब बियर की बिक्री और जमा की गई राशि के आंकड़ों में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। चंद्राकर ने भारी मात्रा में उपलब्ध कालातीत बियर के बारे में प्रश्न करते हुए आरोप लगाया कि ये कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराब दुकानों में अधिक दर पर शराब बेचने, शराब में पानी मिलाकर बेचने जैसे मामलों को उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में अवैध कमाई का खेल चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवालों पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा घिरते नजर आए, लेकिन फिर भी उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। लखमा ने कुछ मामलों में विभाग की गलतियों को स्वीकार करते हुए की गई कार्यवाहियों से सदस्यों को अवगत कराया, साथ ही कुछ मामलों में जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान शराब को लेकर हास पर हास का दौर भी चलता रहा। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब बेचने वाला विपक्ष का आरोप दमदार है या फिर बेदम, इसका तो पता नहीं, लेकिन इन सब के बीच देखना अहम ये है कि मांग से ज्यादा शराब बिक्री के आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी के वादे को भूपेश सरकार आखिर कैसे और कब तक पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो शराब पर शोर, छत्तीसगढ़ के आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं और बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी हैं। आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत खास स्वागत है। और छत्तीसगढ़ के हमारे संपादक मनोज सिंह बघेल भी हैं और भोपाल स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार के एस साइनी जी जुड़ी हैं। आप दोनों का स्वागत है। पहले मनोज जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या हुआ आज दिन भर? कार्रवाई ये जानना चाहेंगे कि आज शराब के मुद्दे, शराब तो जब से भूपेश सरकार बनी है उसके बाद से ही मुद्दा बना रहा है, लगातार कोई भी मुद्दा रहा हो, कैसे भी मुद्दा रहा हो, शराब जरूर उसके बीच में आ गई। आज क्या हुआ सदन के अंदर? देखिए सर, आज प्रश्नकाल में काफी कई सारे मुद्दे, चूंकि आज जो प्रश्नकाल में जो जवाब देना था वो आबकारी मंत्री कवासी लखमा को जवाब देना था, तो शराब से संबंधित बहुत सारी बातें जो है वो उठाई गई। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष के विधायक जो संतराम नेताम है, केसकाल के विधायक, उन्होंने इससे शुरुआत की और ये बताया कि जो बस्तर इलाके के मदिरा प्रेमी हैं वो बार बार इस बात को उनके सामने रखते हैं कि वहां पर ब्रांडेड किस्म की जो शराब है जो सालों से चलन में है, वो सभी शराब जो है वो शराब दुकान से गायब है और वो नहीं मिलने के कारण लोगों को मजबूरी में दूसरे गैर ब्रांडेड शराब का सेवन करना पड़ता है और उसमें उनको वो आनंद नहीं आता जो पहले आता था। इस तरह की बातें उन्होंने रखी, इस पर काफी हास परिहास भी चला वहां पर। और उस समय आश्वासन दिया मंत्री ने कि जो भी बस्तर के मदिरा प्रेमियों की डिमांड है उसके मुताबिक वो शराब सप्लाई की कोशिश करेंगे। इसके बाद बारी थी विपक्ष के सदस्य जो है वो लगातार हमलावर हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा के ऊपर। सबसे पहले अजय चंद्राकर ने बहुत सारे तकनीकी मामलों में उलझाया कि शराब की कुल बिक्री का आंकड़ा पूछा, उससे प्राप्त होने वाले रेवेन्यू का आंकड़ा पूछा और ये बताया कि कैसे अंतर दिखता है कि जो आपने कुल शराब बिक्री के जो आंकड़े प्रस्तुत किए, रेवेन्यू के आंकड़े प्रस्तुत किए और जो सरकारी खजाने में जो जमा राशि है उसमें ये अंतर कैसे आया, इस बात को लेकर काफी लंबा सवाल जवाब चला। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये बात उठाई कि जो शराब की दर है वो मनमाने दरों पे बेची जा रही, जो प्रिंटेड रेट है उसके मुताबिक शराब नहीं बिक रही है और उन्होंने बताया कि कई जगहों पर 40% ज्यादा दामों पर शराब बेची जा रही है और प्लेसमेंट एजेंसी के जो कर्मचारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं लगातार, इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कुछ स्पेसिफिक बात उन्होंने बताई कि कुछ जगहों पर यह शिकायत आई कि जो ब्रांडेड शराब है उस शराब में पानी मिला दिया जाता है और पानी मिला के बेचा जाता है और इस बात पर जो है सदन में कहा सुनी हुई। ये कहा गया कि हंसी मजाक में ये बात भी आई कि जो शराब पीने वाले लोग हैं उनका पिकअप ठीक से नहीं पकड़ रहा है, इस तरह की बातें भी आई। और अंत में सौरभ सिंह जो भाजपा के विधायक है उन्होंने भी इस बात को उठाया। तो तमाम जो एक घंटे का प्रश्नकाल था उसमें आधे घंटे से ज्यादा समय तक शराब की बिक्री में जो गड़बड़ी है उसी को फोकस किया गया और उस पर मंत्री ने अपना जवाब दिया। बीच बीच में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे को बीच बचाव में आना पड़ा, मंत्री के फेवर में आना पड़ा,
और कुल मिलाकर ये रहा कि मंत्री ने माना कि कुछ जगहों पर जो गड़बड़ी हुई है उसमें विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। जो अंतर की राशि जो शराब की बिक्री से जो पैसे मिलते हैं और जो सरकारी खजाने में जमा पैसे हुए उसमें जो अंतर आया उसकी जांच का आश्वासन दिया। तो इस तरह से कुल मिलाकर शुरू के जो एक घंटे प्रश्नकाल थे उसमें शराब के मुद्दे पर ही सरकार को घेरने की कोशिश। बिल्कुल मनोज जी, बड़ा संक्षेप में इतना जानना चाहेंगे, जो कह रहे हैं कि ब्रांडेड शराब नहीं मिल रही है, पानी, इसमें आपकी तफ्तीश क्या कहती है, क्या मिल रही है, सही बात है, महंगी हो गई है, क्या है, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आरोप जगह जगह से मदिरा प्रेमियों के फोन हमारे पास भी आते हैं और इस संबंध में खबर उठाने की बात भी करते हैं और बिल्कुल ये शिकायत आम है कि ब्रांडेड शराब की कमी हो गई है। ये पिछले सरकार के समय से ही है कि ब्रांडेड शराब, जब से सरकार ने अपने हाथ में शराब दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी ली है तब से मदिरा प्रेमी इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके ब्रांड की जो शराब है वो शराब दुकानों में, ठेके की दुकानों में वो उपलब्ध नहीं है और मजबूरी में दूसरे ब्रांड उनको पिलाए जाते हैं। इसके अलावा अधिक बिक्री पर, अधिक दर पर शराब बिक्री की बातें भी समय समय पर पिछले सरकार से भी थी। काफी शिकायतें हैं पिछले शराब दुकानों में शराब बिक्री, मतलब बीजेपी में जो हो रहा था वही कांग्रेस में हो रहा है पिछले सरकार के समय से ही, जब से, बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है, जबकि ये सरकार जो है शराब, पूर्ण शराबबंदी के वायदे को लेकर आई है, इसलिए इस सरकार, ये सरकार ज्यादा टारगेट में है। केदार जी के पास चलेंगे। धनंजय जी, एक अच्छी बात आपके लिए यह है कि शराबबंदी का मुद्दा जो था, जो विपक्ष उठा रहा था कि शराबबंदी की आपने घोषणा की थी, वो मुद्दा एक तरफ से गौण होता जा रहा, अब अच्छी आप शराब परोसने लगे, अच्छी शराब बिकवाने लगे, ब्रांडेड शराब बिकवाने लगे, तो वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, लेकिन सवाल ये है कि बड़ी महंगी हुई शराब, अब तो पीना भी छोड़ दो वाली स्थिति है, क्या कहेंगे धनंजय जी आप इस मुद्दे में? फिर केदार जी तो बैठे ही हुए हैं आपको देखते हुए। देखिए, जिस प्रकार से सदन में भारतीय जनता पार्टी ने शराब में पानी मिलाने की शिकायत, शराब के दाम ज्यादा होने की शिकायत को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। 19 महीने की भूपेश बघेल सरकार के जनहित के कार्यों के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाजपा के नेता बता दे उनको शराब के पानी मिला, शराब किस दुकान पे मिला है और कौन सा ब्रांड चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि उस ब्रांड की व्यवस्था हम कर दें, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार का लक्ष्य शराबबंदी है और हम इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। अरे साहब, आप सरकार में बैठे हो, जब आपसे सिफारिश करेंगे कि आप ये ब्रांड दिलवाइए तो दिलवाएंगे, आम मदिरा प्रेमी के लिए कहां से दिलवाएंगे आप? क्या आपके पास आम मदिरा प्रेमी जो देखे होंगे ठेकों में इधर उधर घूमते हैं, बढ़िया मस्त रहते हैं, वो थोड़ी आपके पास आएंगे? देखिए त्रिपाठी जी, मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार का लक्ष्य शराबबंदी है, इसके लिए हमने 3 कमेटियां बनाई है, एक राजनीतिक कमेटी है, एक सामाजिक कमेटी है और प्रशासनिक कमेटी है। तो निश्चित तौर पर हमारा जो लक्ष्य है शराबबंदी है। और जैसे मनोज बघेल जी ने कहा कि पूर्व की सरकार के दौरान ही जो ब्रांड की समस्याएं थी और जो ब्रांड मिलता था, तो वही चीज आज भी है, क्योंकि रमन सरकार ने 138 साल पुरानी आबकारी नीति को बदलकर जो सरकारी दुकानों का शुभारंभ किया, उसके बाद जिन्होंने व्यवस्था कायम किया, उसी व्यवस्था को आज भी चलाया जा रहा है कि हम तो नहीं चाहते राज्य में शराब बेचे, हमारा लक्ष्य शराबबंदी है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आज शिकायत कर रहे हैं, ये 15 साल तक मौन क्यों रहे हैं जब सरकार के शराबबंदी, शराब बेचने की नीति बदली गई? क्या उस दौरान शराब के कमीशन का इनका मुख्य लक्ष्य था? तो हमारा लक्ष्य शराबबंदी है, मुख्य बात यह है। उससे बढ़िया लक्ष्य है आपका शराबबंदी लक्ष्य है, दोनों तीनों चीजें उससे मिलती है। एक तो वो ब्रांडेड शराब गायब कर दो तो जो मदिरा प्रेमी उस तरह के होंगे यही ब्रांड पीना है वो बंद कर देंगे, पानी मिला दो तो यार बड़ी महंगी शराब खरीदी है और पानी मिला हुआ है तो बंद कर देंगे, और तीसरा जितनी महंगी आप कर देंगे उतना फिर जेब में आदमी हाथ डालेगा बंद हो जाएगी, शराबबंदी का बहुत अच्छा लक्ष्य आपका है। केदार जी क्या कहेंगे आप? देखिए त्रिपाठी जी, मैं तो इतना ही कहूंगा जी कि कांग्रेस सरकार का जहां भी हाथ जिन चीजों में लग रहा है जी, उन चीजों में लगातार जनता प्रश्न उठा रही है और कहीं कहीं तो उनके विधायक ही प्रश्न उठा रहे हैं। धान खरीदी सरकार करती है तो उसमें
टोकन देने में इन्होंने गलती की, खरीदी करने में गलती की, आखिरी तक खरीद नहीं पाए, और पैसा देने की बारी आई तो छह महीने की उधारी में धान खरीदा, आज तक पिछला पैसा नहीं दे पाए। और दूसरी बात, मैं मानता हूं कि जनता भूल जाती है, जनता को बहुत मतलब बहुत सारी बातों से नहीं रहता है, पर अभी सिर्फ डेढ़ साल ही हुआ है। डेढ़ साल पहले जब ये चुनाव पे आए थे तो इन्होंने कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार अब शराब बेच रही है, अब सरकार शराब बेचती है करके ये आरोप लगाया करते थे, और आज टीवी चैनल में बैठकर बोल रहे हैं कि जो ये व्यवस्था इनकी थी वो हमारी थी, तो आरोप क्यों लगाते थे भैया? पहली बात, अब ये कहते हैं कि हम शराबबंदी हमारा लक्ष्य है पर हम पूरा नहीं करेंगे, उसके लिए हम कमेटी बना देंगे। और जनता और भाजपा के लोग कौन सा ब्रांड पूछना पसंद करता है, ये पहुंचा के देने की बात करते हैं। तो आपने कोरोना काल में सब्जी और अनाज घर तक नहीं पहुंचाया, वो राशन दुकान में आके लो कहा, परंतु शराब को घर पहुंचा कर आपने बेचने का काम किया। और तीन महीने तक जब कोरोना में लॉकडाउन था और शराब की दुकानें नहीं खुली तो सब लोग स्वस्थ थे, और आप अगर शराबबंदी करना चाहते थे, आपका लक्ष्य था, आप कहते हैं तो अच्छा हो सकता, खोलता ही नहीं, पर लक्ष्य कुछ और है, कहते कुछ और है लक्ष्य और करना कुछ। लेकिन केदार जी, हमारे मनोज जी ने कहा है, धनंजय जी नहीं, कि ये बीजेपी के समय से ये चला आ रहा है, अच्छे ब्रांड की शराब नहीं मिल रही है, जो ब्रांड यूज करते हैं लोग उसमें पानी मिलाया जा रहा है, महंगी हो रही, ये आपके समय से ही है, ये धनंजय जी के समय का नहीं है। तो हमारे समय में मैंने आपको कहा था कि लोग भूले नहीं है जी। आप दो डेढ़ साल पहले बोलते थे कि भाजपा सरकार शराब बेच रही है, इसे बंद करना चाहिए, और आज ये खुद मान रहे हैं कि वो पुरानी व्यवस्था में हम कायम है, तो गलती हम कर रहे थे या गलती ये कर रहे हैं? और ये शराब में पानी मिलाकर बेचने की बात और अलग ब्रांडों की बात, ये कभी भाजपा में नहीं आई, ये आज ये लोग कर रहे हैं। और मेरे कहने का ये मतलब है कि पुरानी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं, अब तो सवाल आपकी सरकार से होना चाहिए। अरे हम तो चले गए, हमारे हाथ में होता तो आज बंद करवा देते जाके और सजा देते जो जो ब्रांड जिसको चाहिए, पर आज हमारे हाथ में नहीं है, तो पुरानी सरकार की बात क्यों करना, वो तो सरकार बेच रही है ना, आज की सरकार की बात करें ना भाई, क्यों कितना दिग्भ्रमित करेंगे हम दर्शकों को और जनता। शुरुआत तो रमन सिंह ने किया ना, वर्तमान सरकार, मैं कह रहा हूँ धनंजय भाई, आपका समय आएगा तो आप भी कहिएगा, वर्तमान सरकार जिस चीज के लिए जिम्मेदार है वो काम उनको करना चाहिए। अगर उनके संतराम विधायक है और उनको वो ब्रांड की शराब चाहिए, वो जो ब्रांड कहते हैं, तो धनंजय जी बोलते हैं मैं भिजवा दूंगा, तो भाई भिजवा दो, उन्हीं को भिजवा दो, शुरुआत वहीं से करो। तो मेरे कहने का मतलब है, जनता का पैसा शराब, जनता के लिए शराब के लिए पैसा दे रही तो उसे पानी मिलाकर बंद दो, और सरकारी दुकानों में मिलावट की चीज मिलेगी तो बाकी फिर कैसा होगा। और ये बड़ा प्रश्न, केदार जी, केदार जी है, केदार जी एक सवाल, हालांकि ये नहीं पूछना चाहिए लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, मैं पूछूंगा, ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि इसमें पानी मिला है शराब में, पहले आप नहीं मिलाते थे? बहुत अच्छा हुआ कि आपका मन नहीं माना और आपने पूछ लिया, दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, मंत्री की दुकान में इसके लिए जुर्म कायम हो चुका है और लोगों ने रंगे हाथों इसका वीडियो वायरल किया, आप तक नहीं पहुंच पाया होगा तो मैं प्रयास करूंगा पहुंच जाए, और ये प्रमाणिकता उस मंत्री की दुकान से हुई। अच्छा हुआ आपका मन नहीं माना, आपने पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया, और निश्चित रूप से अगर एक दुकान में अगर ये हो गया तो पूरे छत्तीसगढ़ में शराब में पानी मिलाया जा रहा है, कैसे कह सकते हैं आप? अब इसका जवाब तो त्रिपाठी साहब मैं कैसे दूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सरकारी दुकान है धमतरी की और बाकी दुकानें भी सरकारी है, तो एक जगह जो हो रहा है वो सब जगह हो रहा होगा, अलग अलग एजेंसी नहीं है, शराब बेचने की एजेंसी एक ही है जी। और वो जो धमतरी में है वही पूरे छत्तीसगढ़ में है जी। तो निश्चित रूप से अगर एक एजेंसी सरकार की है जो सरकार के द्वारा बेची जा रही है, एक दुकान में बिक रही है, तो बाकी लोग क्यों आनंद लेने से छूटेंगे? वो कहते हैं ना बहती गंगा में सब हाथ धोएंगे, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की अगर कारनामे हो रहे हैं तो मैं दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि बराबर सरकार की इस कमियों को उजागर करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, व्हाट्सएप में, फेसबुक में डालना चाहिए। और शराबबंदी तीन महीने बंद था, सब स्वस्थ थे भाई, त्रिपाठी जी बंद कर देते जी। जी केदार जी, धनंजय जी कुछ बोल ले, लेकिन एक सवाल हम इसके बाद केदार जी आपसे जानना चाहेंगे, धनंजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम ये जरूर जानना चाहेंगे, पांच साल के लिए भूपेश सरकार आई है, चटमगनी पट ब्याह वाली स्थिति नहीं कि आज सरकार आई कल से शराब बंद, राजस्व का मामला है, आप भी जानते हैं इस तरह, खैर कोरोना काल है, सारे राज्य सारा देश
आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में राजस्व एकदम से बंद कर देने पे छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या होगी आप भी समझ रहे हैं। 5 साल के लिए आई है, अगर 5 साल में अगर उनकी शराबबंदी नहीं होती है तब ये प्रश्न मौजूद होता है। खैर धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जो भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के मुद्दे को लेकर हमेशा बयानबाजी करती रही है, आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं केदार गुप्ता जी वो चैनल के माध्यम से ये अपील नहीं कर रहे कि लोग शराब से दूर हो, बल्कि ये अपील कर रहे कि शराब में क्या कमी है उसे सोशल मीडिया में बताएं। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा आज भी शराब पीने लोगों को प्रेरित कर रही है जी। हमने कहा कि हमारा लक्ष्य, हमारे कांग्रेस सरकार का लक्ष्य शराबबंदी है और जो भी व्यवस्था है, क्योंकि 138 साल पुरानी नीतियों को बदलने का काम पूर्व रमन सरकार ने किया और क्यों किया इसके भी बड़ा कारण है और इसे दुखद परिणाम यह है कि 15 साल के रमन शासन काल में शराब गांव गांव और घर घर तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वो घर घर और गांव गांव से शराब को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और कैसे दूर कमीशन क्या कर रहे हैं उसके लिए गांव गांव तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं रमन सिंह ने किया है। धनंजय जी गांव गांव तक न पहुंचे, अगर बीजेपी गांव गांव तक पहुंचा रही थी तो आपने ऐसा क्या कर दिया कि गांव गांव तक न पहुंचे? क्या शराब की दुकानें जितनी थी उसमें कमी आ गई क्या? शराब की दुकानें कम हो गई क्या आपके यहाँ? एक बात, दूसरा बात आप बोल रहे हैं लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो लक्ष्य प्राप्ति कब तक कर लेंगे आप, कौन से सन तक कर पाएंगे? देखिए त्रिपाठी जी 15 साल में जो हालात छत्तीसगढ़ के रमन भाजपा की सरकार ने बना दिया है जी, उस शराब को लोगों के जिस्म से ही बाहर निकालना है, क्योंकि आप अचानक शराबबंदी नोटबंदी की तरह करेंगे तो निश्चित तौर पर जनहानि की भी बहुत संभावना है। तो हम जागरूकता के माध्यम से सामाजिक हमारी कमेटी बनी हुई है वो गांव गांव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसका यह परिणाम है कि शराब की बिक्री लीटर में कम हो रही है, लीटर में कम हो रही है ना, और लोग शराब से दूर होते जा रहे हैं। ये एक सामाजिक जागरूकता के माध्यम से हम जो काम कर रहे हैं इसमें बहुत सारे संगठन तो बता रहे हैं मांग से ज्यादा शराब कमी बनाया था, रिपोर्ट तो बता रही मांग से ज्यादा शराब भी की नहीं, नहीं, नहीं। कमी आई है लीटर लीटर मैंने कहा लीटर लीटर और दाम में अंतर है। लीटर में कम हुई शराब की बिक्री और 70 से अधिक शराब दुकानों को बंद करने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। चलिए हमारे शराबबंदी की ओर जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। केदार जी 70 दुकानें बंद कर दी गई है, अब तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भूपेश सरकार उस लक्ष्य की ओर जा रही है। नहीं ठीक है, जैसे मेरे छोटे भाई धनंजय ने मुझे बताया कि मैं कह रहा हूँ कि लोग इसके बारे में, अरे भाई गड़बड़ी करोगे तो उसको सुधार करने के लिए बोल रहा है और शराब आप बेच रहे हो और मुझे कह रहे हो कि हम बढ़ावा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, अरे बंद कर दो। और आपके विधायक संतराम जी तो हरी विधानसभा में कह रहे हैं कि शराब दो ब्रांडेड, उनको समझा दो जाके थोड़ा सी कि भैया ऐसी मांग मत करो, ये मांग ठीक नहीं है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, शराब बेच रहे हैं ना, तो उसमें गड़बड़ी करते हैं तो जनता क्यों ना बोले आपको, सीधी सी बात है। दूसरी बात आप कहते हैं कि अभी 70 दुकानें बंद हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 350 दुकानें बंद की थी, पहले 250 दुकानें बंद की जो गांव की 2000 आबादी थी और तय किया था कि जिनकी 2000 आबादी उन गांव में बंद होगी 250 दुकानें बंद हुई, उसके बाद 3000 की आबादी की 100 दुकानें बंद हुई, 350 दुकानें बंद हुई और ये कहते हैं कि हमने सामाजिक समितियां बनाई है। अरे भाई जनता ने छोड़ दिया था पीना 3 महीना, आपने दुकान खोल के फिर शुरू करा दिया और 2 घंटा टाइम बढ़वा दिया था, उसके बाद कोरोना फट गया, वहां एक के पीछे एक लोग खड़े थे और लगातार आप शराब बेचते रहे, उसके बाद घर तक पहुंचाकर शराब बेची। और ये क्या बात है कि वो पूर्ववर्ती सरकार के समय से ये चला आ रहा है तो हम कर रहे हैं, ये कोई जवाब है? ये तो आप अपनी बातों को घुमा रहे हैं, अपनी कमजोरियों को दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। उस समय चिल्लाते हैं आप, बोलते कि आप ऐसा कर रहे हैं जैसा आज हम कह रहे हैं। त्रिपाठी जी 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 त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं, केदार जी का उत्तर आ गया, मैंने केदार जी का पूरा उत्तर है जी। केदार जी अपना रेवेन्यू की बात है कि जितने की शराब बिकी उसके हिसाब से रेवेन्यू जमा नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए भी पुरानी सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए भी डॉक्टर रमन जिम्मेदार है कि आप शराब बेच रहे हो रेवेन्यू जमा नहीं कर रहे हो और वो पुरानी सरकार है। भाई क्या आखिर चले गई, आपको पूरा बहुमत मिला है, हम भी बोल रहे हैं कि आप सरकार में हो और आप ये मानो कि आप सरकार में हो और आपकी ड्यूटी है काम करने की, आप करो ना भाई, अच्छी चीजों में हमारा समर्थन है, खराब चीजों में हम विरोध करेंगे, जनता ने हमको वो काम सौंपा है। केदार जी धनंजय जी कुछ कर जी, धनंजय जी जो मैंने अभी एक आरोप लगाया कि रमन सिंह जी ने गांव गांव तक शराब पहुंचाया उसकी पुष्टि केदार गुप्ता जी ने कर दी,
क्योंकि 2000 जिस गांव की आबादी है, जिस गांव की 3000 की आबादी, वहां भी शराब दुकान खोलने का काम रमन सिंह की सरकार ने किया था, और सिर्फ बंद इसलिए किया क्योंकि उन दुकानों में बिक्री कम हो रही थी, शराब का नुकसान होता, रमन सिंह को कमीशन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन दुकानों को बंद किया है। मैंने जो आरोप लगाया उसकी पुष्टि यहां पे केदार गुप्ता जी ने की है, और जैसे मैंने कहा अभी उन्होंने कहा कि आप बंद क्यों नहीं करते, हमारा लक्ष्य बंद करना है, हमने रणनीतिक कमेटी बनाया, उसमें भाजपा के विधायकों को भी आमंत्रित किया, आइए हम सब मिलकर इस राज्य में जो आपने 15 साल तक शराब को पहुंचाया है उसको राज्य से बाहर करते हैं, एक भी लोग शामिल नहीं उसमें, शराब कमेटी से दूर भाग रहे हैं जो कमेटी बनी थी, और सामाजिक कमेटी जो काम कर रहा है उसका यह परिणाम है कि गांव में आप देखेंगे जागरूकता के माध्यम से शराब की बिक्री में शराब से लोग दूर होते जा रहे हैं, और ये भी तो सरकार में थे, इन्होंने शराबबंदी का लक्ष्य रखा था, महिलाओं के लिए भारत माता वाहिनी इन्होंने बनाया था, गुलाबी गैंग इन्होंने बनाया था, महिला कमांडो इन्होंने बनाया था, क्या हुआ, राज्य भर की महिलाओं को धोखा देने का रमन भाजपा सरकार ने किया था, और शराब के लिए कमेटी भेजे थे दूसरे राज्यों में, अरे तो उनमें इनके गड़बड़ी की तो आप क्यों कर रहे हैं, कैसे ज्यादा बेचा जाए इनके रिपोर्ट में था, अरे उनने गड़बड़ी की तो आप क्यों कर रहे हैं, अब तो आपकी सरकार है, आप उनकी सरकार के समय की क्यों बात कर रहे हैं, हम गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कब तक को कब तक आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे, जो आप बोल रहे हैं कि शराबबंदी के लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य शराबबंदी के साथ साथ जनता को भी सुरक्षित रखना है, किसी प्रकार के जनहानि ना हो, किसी प्रकार के नुकसान ना हो, सभी विषयों को ध्यान देने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम सभी विषयों को एक साथ लेते हुए जा रहे हैं और बहुत जल्द इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। चलिए जल्दी, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जल्दी कितने में आएगा, 5 साल 10 साल, मैं आपकी सरकार को मान लेता हूँ 25 साल चलेगी तो आ जाएगा क्या? नहीं, देखिए मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने आम जनता से 36 बिंदु में वादा किया था, हम 22 से अधिक बिंदु पे वादा को पूरा कर चुके हैं, जनता को विश्वास है कि हमने जो घोषणा पत्र में जो हमारे और जो भी वादे हैं वो सरकार निश्चित तौर पर पूरा करेगी, जनता को विश्वास है, जनता इस सरकार में भरोसा कर रही है, जनता सरकार के साथ खड़ी हुई है। चलिए केदार जी कुछ कह रहे हैं, फिर हम एक बार फिर मनोज जी के पास जाएंगे। जी केदार जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इनके प्रवक्ता गलतियां नहीं मान रहे हैं, पर कवासी लखमा जी ने मान ली है, तो कम से कम जो मंत्री जी ने मान ली उसको तो माने कि भाई जितनी बिक्री हुई उतना रेवेन्यू जमा नहीं हो पाया सरकार के खजाने में, तो वो पैसा कहां गया, वो कवासी लखमा जी मान गए, पर उनके प्रवक्ता नहीं मान रहे हैं कि भरी विधानसभा में आंकड़े सामने थे, अब ये भी आंकड़े देख लेंगे तो ये भी मान लेंगे कि सरकार ही अपनी दुकान से कर की चोरी कर रही है, धन की चोरी, मतलब राजस्व की चोरी हो रही है, सीधा चोरी कर रही है, तो ये बातें हैं, कवासी लखमा जी माने हैं, मेरे छोटे भाई धनंजय भी देखेंगे तो मान जाएंगे, और दूसरी बात मैं बारंबार कहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात मान ले कि उनकी सरकार है और बड़े बहुमत से है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि अभी कांग्रेस की सरकार है, वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें, उनको काम करें, जो काम जनता ने सौंपा है, जनता की जो इच्छा से जैसे काम सौंपा है, उनके मैनिफेस्टो के अनुरूप इनको काम सौंपा है, तो अपने मैनिफेस्टो को तो पूरा करो भाई, शराबबंदी है उसको करो, घर तक शराब पहुंचा के बेच रहे हो, पानी मिला के बेच रहे हो, तुम्हारे विधायक तो रमन सिंह ने पहुंचाया घर का शराब को। चलिए आप मैनिफेस्टो इतना जल्दी पार्टियां, केदार जी जब आपकी सरकार थी तो कई ऐसे घोषणा पत्र में बिंदु थे जो आपने कहा था कि मैं भी 5 साल में के लिए है और अंत तक पूरा करूंगा, तो ऐसा तो नहीं होता किसी भी सरकार में, लंबे समय से देख रहा हूं कि सारे घोषणा पत्र में सारे शराबबंदी नुकसान है जनता का करना चाहिए। चलिए शराबबंदी शराब, लेकिन धनंजय जी उनको अपने विधायक जी को जरूर अच्छी ब्रांड पहुंचवा दीजिएगा, मेरा आपसे अनुरोध है, आज शाम तक पहुंचवा दीजिएगा। मनोज जी ये मुद्दा और कितना आगे बढ़ेगा? देखिए सर, ये मुद्दा जारी रहेगा जब तक शराबबंदी नहीं हो जाती, क्योंकि भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा है और शुरू से ही सरकार बनने के बाद से ही जो है लगातार ये इसी बात को उठाते रहे कि शराबबंदी के वादे को लेकर जो है कांग्रेस सरकार में आई है, इसलिए शराबपूर्ण शराबबंदी का इनका वादा जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए, इसीलिए भाजपा के पास ये बड़ा मुद्दा है। और जैसा कि आपने कहा कि रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स होता है शराब, और इसलिए इसको बंद करना एक बहुत कठिन बात होती है, इसीलिए सरकार ने उस ओर लोगों को ये कहा है कि हमने 3 कमेटियां बना दी, कमेटियां अध्ययन करेंगी, सरकार के अपने तर्क हैं कि अचानक शराबबंदी करने से क्या क्या नुकसान होते हैं इसका वो जिक्र करते हैं।
लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अभी की विपरीत परिस्थितियों में जो है शराबबंदी तत्काल अभी तो कल्पना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन चूंकि वादा है जैसा कि धनंजय सिंह ठाकुर ने बताया कि 36 में 22 वादे पूरे कर चुके हैं और सरकार अपने वादों की ओर बढ़ रही है, तो ये भाजपा के लिए एक मुद्दा इसलिए लंबा चलेगा और चुनाव से पहले साल भर पहले या चुनावी साल में ही ये शराबबंदी जो है वो पूरी तरह से लागू हो पाएगी ऐसा मुझे लगता है। सहसानी जी, आपकी इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी चाहिए कि क्या होगा? जी जी किदार जी, सहसानी जी की टिप्पणी बिचारी वो जी सिर्फ एक सेकंड जी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब ने बात की कि रेवेन्यू के कारण शराबबंदी नहीं हो सकती, पर वही रेवेन्यू ही तो नहीं पहुंच रहा सरकार के पास, उसी में तो घपला हो रहा है, वही विधानसभा में प्रश्न उठा और उसी को गवासी लखमा ने कहा है कि हम जांच करेंगे, तो जब रेवेन्यू नहीं पहुंच रहा है तो बंद करो ना भाई। सानी जी, आपकी टिप्पणी। त्रिपाठी, ये बात हास्यास्पद है जो हो रहा है, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो शराब में पानी मिला के अगर बेचा जा रहा है, मेरे को नहीं मालूम कितना सच है इसमें और कितना बेचा जा रहा है, लेकिन ब्रांडेड शराब जो जिसको डिमांड करता है जी, वो तो मिल नहीं रहा, वो नहीं मिल रहा, लेकिन जो मिल रहा है उसमें भी अगर, तो वो एडल्ट्रेशन का केस हो जाता है जी। और इस चीज को अगर ऑपोजिशन अगर कहती है तो उसको एक जांच का प्रक्रिया है, और अगर जांच मतलब सिर्फ हम इस पर निर्भर करेंगे कि एक व्यक्ति चला गया है शराब की दुकान में और उसको लगा कि इसमें पानी मिला है और हम उसके से मतलब आकलन लगा लेते हैं कि सब जगह इस तरह से बिक रहा है, तो उसको इस तरह के शराब अगर बिक रहे हैं तो उसका जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरा, जहां तक इसका सवाल है कि शराबबंदी की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें नियत और नियम में काफ़ी अंतर दिखता है, क्योंकि अगर आपने शराब एक ही ब्रांडेड शराब बेच रहे हैं, इससे किस तरह से आप शराबबंदी की तरफ जा रहे हैं ये तो समझना बहुत मुश्किल है। शराबबंदी अगर करना चाहते हैं तो ये बात ठीक है कि आपको लोगों को सोशली अवेयर करना पड़ेगा और उसको उनकी मानसिकता में बदलाव लानी पड़ेगी जी। लेकिन उसके साथ कई प्रैक्टिकल कदम भी उठाने पड़ते हैं, जैसे कि आपने शराब के जो दाम बढ़ा दिए हैं तो वो कोई एक बहुत ही वो नहीं है कि जिससे शराब पीना लोग बंद कर देंगे जी। पर जहां तक है प्योर शराब और ब्रांडेड शराब अवेलेबल होने चाहिए, ये कस्टमर के भी है जी, तो उनकी डिमांड है तो वो होनी चाहिए, और ये मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह के नियम बनाने से शराबबंदी की तरफ हो जा सकते हैं। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन धनंजय जी ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की उस कविता को कि मंदिर मस्जिद बैर करावे मेल करावे मधुशाला, थोड़ा देख के उसको करिएगा, बाकी सब जो भी निर्णय लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी, धनंजय जी आपका, मनोज जी आपका भी, सारे हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस, अब शराब बिक्री में गड़बड़ी के कई मामलों में आरोप झेलती नजर आ रही। हालांकि आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सदन में सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन विपक्ष उन पर ज्यादा सहमत नजर नहीं आया, लिहाजा विधानसभा में शराब पर तीखी बहस भी हुई। खैर, सदन में हंगामा और आरोप प्रत्यारोप से इतर प्रदेश की जनता अब ये उम्मीद कर रही है कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन के अनुरूप व्यवस्थाएं सुधरेंगी, साथ ही शराबबंदी के लिए गठित सरकार की कमेटियां जल्द शराबबंदी से संबंधित अपने सुझाव सरकार को सौंपेगी, ताकि भूपेश सरकार शराबबंदी के अपने बड़े वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर हो सके। चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां कर्ज माफी पर कसमकस है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का बड़ा दांव चलकर सत्ता में आने वाली कांग्रेस एक बार फिर उपचुनाव में कर्ज माफी को मुद्दा बनाने जा रही है। कर्ज माफी को लेकर सत्ता पक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी का बड़ा दावा किया है। राजधानी भोपाल में कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी को सही बताते हुए बाकायदा एक पेन ड्राइव भी मीडिया को सौंपी है, लेकिन सवाल है कि क्या इससे कांग्रेस को उपचुनाव में कोई फायदा होगा या जनता बीजेपी की बात को सही मानकर शिवराज सरकार को स्थायी करेगी। चलिए हम मुद्दे पर चर्चा करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूँ यहाँ पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। राहुल गांधी के इस बड़े वादे की दम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी,
लिहाजा कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। सत्ता में आने के बाद 15 महीनों तक कांग्रेस ने दो चरणों में किसानों की कर्ज माफी की, लेकिन इस साल मार्च में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद उसका कर्ज माफी वाला बड़ा वादा अधूरा रह गया। वैसे कांग्रेस लगातार दावा करती रही है कि उसने सत्ता में रहते 26 लाख से भी ज्यादा किसानों की कर्ज माफी की है। हालांकि बीजेपी ने हमेशा उसके इस बड़े दावे को बेदम बताया और कांग्रेस पर जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप जड़ा। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए सबूतों की पेन ड्राइव जारी की। जी हां, यही वो पेन ड्राइव है जिसे पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया को सौंपते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार में जिन 26 लाख से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी हुई है इसमें उनके नाम है, वो भी गांव और फोन नंबर के साथ। इसके अलावा किसका कितना कर्जा माफ हुआ है इसकी भी जानकारी है। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ।